देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर शक्ति फार्म से है। नदी में फंसे शक्ति फार्म निवासी चितरंजन को बड़ी कोशिशों के बाद बचाया गया। आपको बताते चलें कि शक्ति फार्म निवासी चितरंजन अपने जानवरों को चराने के लिए नदी पार करके गया था। लौटते समय नदी का जल स्तर बढ़ गया और अपने जानवरों के साथ वह नदी में फंस गया। मौके पर पहुंचे शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज चंदन सिंह मिस्त्र ने बताया कि चितरंजन अपने जानवरों को लेकर नदी पार चराने गया था। लौटते समय नदी का जल स्तर बढ़ गया और नदी में अपने जानवरों के साथ वह फंस गया, जिसको हमने ग्रामवासियों की मदद से रेस्क्यू कर बड़ी ही सावधानी के साथ निकाल लिया, जिसमें समस्त ग्रामवासियों का बड़ा ही सहयोग रहा। आप देख रहे हैं सितारगंज से मोहम्मद उस्मान अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो उस समय नदी का जलस्तर बढ़ गया और इस कारण नदी का तेज बहाव जलस्तर बढ़ने के कारण नदी के बीचों बीच था। इसके बाद हम लोगों ने यही मालखाने से जो हमारे पास जो संसाधन है, जैसे रस्ता और लाइफ जैकेट वगैरह और इसके अलावा ट्रैवल लाइट भी हम लोग लेके मौके पहुँचे। तो अंधेरा से भी काफ़ी हुई बात है और इसके अलावा फिर हमें जो सबसे बेटर थी का थोड़ा मनोबल हम लोगों ने बढ़ा दिया। उसके बाद पता चला कि चंदन मंडल नाम का व्यक्ति है जो अक्तिनगर का ही रहने वाला है, करीब 65 वर्ष की उम्र, तो वो नदी के बीचों बीच के। फिर लोगों की मदद से जो स्थानीय लोग थे, हम लोगों ने नदी पार करके, हालांकि बहुत ज़्यादा तेज बहाव था, लेकिन उसके बाद नदी पार करके एक प्लानिंग के तहत हमने रेस्क्यू किया। इसके अलावा करीब 12-13 जानवर जो